हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दिखाऊंगा कि किस तरीके का फॉर्मेट होता है, क्या क्या डायरेक्शन लिखे होते हैं, कौन से शेड्यूल होते हैं और कितनी फोटोज लगी आती है मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पे। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करिए, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, कोई भी फार्मेसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। और नीचे रेड बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्म नंबर 21 सी रूल 61(2) लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट ऑफर फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल जग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर लिखा जेडी मेडिकल स्टोर प्रोप्राइटर सिद्धांत अरोड़ा, ये मेरा नाम है और ये मेरे मेडिकल स्टोर का नाम है जेडी मेडिकल स्टोर। इज हेयर बी लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 ऑन द प्रीमाइसिस सिचुएटेड विलेज श्यामजगंज गौटिया हेड पोस्ट ऑफिस शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये मेरा एड्रेस यहाँ पे दिया है, मेडिकल स्टोर यहाँ पे मेरा है उत्तर प्रदेश में। कोड नंबर दिया है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड बिलो एंड टू द प्रोविजन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इन एंड द रूल्स देयर अंडर। तो यहाँ पे रूल्स हमारे बताए गए हैं, द लाइसेंस अनलेस सूनर सस्पेंडेड और कैंसल शेल रिमेन वैलिड परपेचुअली हाउएवर द कॉम्प्लियंस द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस एंड द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 23 ऑफ 1940 एंड द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 शेल बी असेस्ड नॉट लेस देन 1 in 3 years और नीडेड एज पर दिस बेस अप्रोच। और यहाँ पे लिखा है नेम्स ऑफ क्वालिफाइड पर्सन इन चार्ज, तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा सिद्धांत अरोड़ा, क्वालिफिकेशन वर्क रोल और रजिस्ट्रेशन नंबर। और लिखा है कैटेगरी ऑफ ड्रग, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, डेट लिखी है और यहाँ पे लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है मेरा, ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नंबर। और यहाँ पे लिखा हुआ संजय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यहाँ पे कंडीशन ऑफ लाइसेंस लिखा है तो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, दिस लाइसेंस शैल बी डिस्प्लेड इन ए प्रोमिनेंट प्लेस इन ए पार्ट ऑफ प्रीमाइसिस ओपन द पब्लिक, मतलब आपको लगाना पड़ेगा मेडिकल स्टोर पे लाइसेंस के लोग देख पाएं। द लाइसेंस शैल रिपोर्ट टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एनी चार्ज इन क्वालिफाइड स्टाफ इन चार्ज विद इन 1 month ऑफ सच चेंज। If the license want to sell stock or exhibit for sale or distribute during the currency of the license, additional categories of drug listed in Schedule C and C1 excluding those specified in Schedule X but not included in the license, he should apply to the licensing authority for the necessary permission will be deemed to extend to the categories of drug in respect of which such permission is given. The permission shall be endorsed on the license by the licensing authority. Number 4 है, no drug shall be sold unless such a drug is purchased under a cash or credit memo for a duly licensed dealer or a duly licensed manufacturer. 5th, the licensee shall inform the licensing authority in writing in the event of any charge in the constitution of the firm operating under the license where any change in the constitution of the firm take place, the current license shall be deemed to be valid for a maximum period of 3 months from the date on which the change take places, unless in the meantime a fresh license has been taken from the licensing authority in the name of the firm with the change constitution. तो यहाँ पे मेरे दो फोटो लगे हैं, सिद्धांत अरोड़ा और यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल साइन बाय संजय, डेट और टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसा होता है हमारा ड्रग लाइसेंस यानी कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस। आई होप आपके अच्छे से समझ आ गया हो। आई होप आप अच्छे से समझ गए हो, मैंने सब कुछ इस वीडियो के अंदर दिखा दिया मेडिकल स्टोर लाइसेंस से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा कि वो भी देख सकें, वो भी समझ सकें किस तरीके का लाइसेंस
होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।